कपड़ों से जुड़ी बात पिछली वीडियो में जैसी मैंने की, वो सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ, इसलिए मैंने सोचा उसका सेकंड पार्ट बनाया जाए, क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें हैं जो बाकी रह गई हैं, और अगर मुझे जरूरत पड़ी तो मैं तीसरा पार्ट भी बनाऊंगा, लेकिन मुझे उसके लिए आपका रिस्पॉन्स चाहिए कि आपने जो पिछली वीडियो अगर देखी हो, उस वीडियो को बहुत कम लोगों ने आखिर तक देखा, क्योंकि अगर आप आखिरी तक देखते तो मैंने आखिर में दो सवाल पूछे, उन सवालों का जवाब आप कमेंट बॉक्स में हमेशा दीजिए। इस वीडियो को भी आप आखिर तक देखिएगा, और मैं जो सवाल पूछूंगा उसका आप कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर दीजिए, प्लीज़। तो दोस्तों, अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी के अभी, प्रेस करिए बेल आइकन को भी, जिससे आपको मेरे नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, समय ना वेस्ट करते हुए सबसे पहले हम शुरू करते हैं इस वीडियो में कपड़ों से जुड़े शब्दों को स्पैनिश भाषा में। तो हमारा पहला शब्द है कपड़े पहनना, इसको बोलेंगे बेस्तीर, 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 बेस्तीर। अगला है, अब भाई कपड़े ना पहने तो हम क्या होंगे, नंगे, ठीक है, तो इसको नेकेड, नेकेड को कैसे बोलेंगे, देस्नूदो, देस्नूदो, अगर लड़का है तो देस्नूदो, अगर लड़की है देस्नूदा, देस्नूदो ओ देस्नूदा। अगला है टू पुट ऑन, मतलब पहनना, वो कपड़े पहनना था, ये पहनना, कुछ भी पहन सकते हैं भाई, पैंट पहन लो, है ना, या फिर हार पहन लो, कुछ भी पहन लो, तो उसको बोलेंगे पोनेर से, पोनेर से, पोनेर से, पोनेर से, पोनेर से। अगला है शॉल, शॉल को हम कैसे बोलेंगे, ला मानता, ला मानता, ला मानता, मानता मानी थी हमने माता को शॉल पहनाने की, ठीक है, ला मानता, शॉल, थ्रेड मतलब धागा, एल ई लो, एच है तो भाई एच साइलेंट होता है, फिर से बता दूं कि जब भी स्पैनिश भाषा में कोई शब्द एच के साथ शुरू होता है तो पहला शब्द एच, पहला जो लेटर है एच, वो हमेशा साइलेंट होता है, उसके बाद से शुरू करते हैं तो ये क्या होगा, ई लो, एल ई लो, और एल और ला ये आर्टिकल है जो मैंने आपको कई बार बता रखा है। अगला है नीडल मतलब सुई, सुई को हम बोलेंगे अगुहा, 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 अगुहा। अगला है रिबन मतलब फीता, इसको बोलेंगे सिंता, ला सिंता, ला सिंता, ला सिंता। अब कपड़ों की क्वालिटी के बारे में बात हो जाए, सिल्क, सिल्क को हम कैसे बोलेंगे, ला सेदा, ला सेदा, ला सेदा, ला सेदा। अगला है सिल्की, ये तो भाई रेशम था, अब रेशमी की बात की जाए, रेशमी को हम बोलेंगे सेदो, सेदो सो, सेदो सो, सेदो सो रुपए लेके हमने रेशमी शॉल खरीदी। अगला है, अगला है कॉटन, कॉटन को हम बोलेंगे अल गोदोन, अल गोदोन, मैंने अली की शर्ट में गोदा गादी कर दी जो कि रेशम की थी, सूती कपड़े की थी, तो अल गोदोन, अल गोदोन, अल गोदोन। अगला है फैशन, भाई ये बहुत ही आसान है, ये बहुत ही आसान है, इसको कैसे बोलेंगे, देमोदा, फैशन में, अगर कोई ट्रेंड में है, कोई चीज़ फैशन में है तो फैशन में, है ना, इन फैशन अंग्रेजी में, तो इसको बोलेंगे देमोदा, देमोदा, देमोदा। अगला है भाई आउट ऑफ फैशन, मतलब फैशन से बाहर है, है ना, आउट ऑफ फैशन, तो इसको कैसे बोलेंगे, पसादो देमोदा, पसादो देमोदा, पसादो देमोदा, पसादो देमोदा। अब कपड़े बनाने वाला भाई ड्रेस मेकर, उसको क्या बोलेंगे, ला मोदीस्ता, अब इसको मोदी से याद कर लीजिए, ला मोदीस्ता, ला मोदीस्ता। अगला है बैग, बैग को हम कैसे बोलेंगे, बोलसा, बोलसा, बोल कौन सा बैग चाहिए तो उसको बोलसा, बोलसा। अगला है पिन, भाई ये भी बहुत जरूरी है, पिन, पिन को हम कैसे बोलेंगे, अल फिलेर, अल फिलेर, अल फिलेर, अल फिलेर। अगला है इसको कैसे बोलेंगे, लूज इन मतलब ढीला करना, ढीला करना को कैसे बोलेंगे स्पैनिश भाषा में, सोलतार, सोलतार, सोलतार। भाई सोल मेरी एक दोस्त का नाम है और वो तार में बंधी हुई थी तो मैंने उसको ढीला कर दिया, है ना, सोलतार, सोलतार। अगला है जूते की पॉलिश, जूते की पॉलिश को बोलेंगे एल बैतून, एल बैतून, एल बैतून, दातून, बैतून, दातून, बैतून, ऐसे याद कर लीजिए कुछ भी, मतलब फर्जी की ट्रिक बना के याद कर लीजिए कुल मिला के। अगला है
बेयरफुट भाई नंगे पांव, अगर नंगे पांव चल रहे हैं तो हम उसको कैसे बोलेंगे? देशकाल्सो, नंगे पैर देशकाल्सो। देल सॉरी देश कल सोने से पहले नंगे पांव चलेगा देशकाल्सो, नंगे पांव घास पे चलने से आंखों की रोशनी बढ़ती है। देश कल सोने से पहले या उठने के बाद किससे चलेगा? पैदल चलेगा, नंगे पांव चलेगा देशकाल्सो। अगला है रिंग मतलब अंगूठी, अंगूठी को हम कैसे बोलेंगे? अनियो, अनियो, एल अनियो। अगला है गले का हार नेकलेस, इसको कैसे बोलेंगे? एल कोयार, एल कोयार, एल कोयार, कोयार। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये पार्ट बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये पार्ट समझ में आया तो प्लीज़ आप मुझे स्पेनिश भाषा में बताइए कि हम कैसे स्पेनिश भाषा में कहेंगे। पहला तो कपड़े पहनना, सबसे पहले ये बताइए। दूसरा मुझे बताइए कि हम कैसे बोलेंगे कि इन फैशन, फैशन में है ये, है ना। तीसरा मुझे बताइए कि हम कैसे स्पेनिश भाषा में बोलेंगे ढीला करना, टू लूज। इन तीनों वोकैबुलरियों के आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देने हैं और मेरी वीडियो को लाइक भी तो करना है, लाइक कर दीजिए ना प्लीज़। तो दोस्तों मिलते हैं आपको नई वीडियो में, आप पिछली वीडियो देखना मत भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, अडियोस, खुदा हाफिज़। Please, all my dear friends, do not forget to like my video because your like is a big, big motivation for me and I want to help so many people of the world for learning Hindi. So do not forget to share my video with your friends on WhatsApp and Facebook. Please don't forget to press red button to subscribe my YouTube channel and also press the bell icon for getting notifications of my new uploaded videos.